हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ क्लियरली आप देख पा रहे हो एक सीरियस डाउन ट्रेंड का रिवर्सल आपको दिख रहा है। रिवर्सल क्लियर आपको चार्ट पे दिखाई देगा आज के दिन में। मेरी एक ही बात याद रखो, मैंने सेल को बेचने के लिए बोला नहीं है, अभी तक भी सेल को सेल नहीं करना है। और एक बात याद रखो, सिर्फ जब सेल चलने लगेगा आप देखते रहोगे और खरीद नहीं पाओगे। ये भी लिख लो कि सिर्फ आप देखते रहोगे और आपका डर आप पे हावी हो जाएगा और सेल को आप खरीद नहीं पाओगे। ऐसा चलेगा ये शेयर। रिजल्ट आने दो, 25 तारीख आने दो, ये शेयर में ज़रूर बदलाव होगे ऐसा मुझे लगता है। आपने अगर ह्यूज अमाउंट में अगर ऊपर के लेवल पे 150 पे बाइंग करके रखी होगी तो आपको टेंशन लेने वाली बात है। पर यहाँ पे एवरेजिंग करने का जब वक्त था, जब ये नीचे आ रहा था, यहाँ एवरेजिंग करना था, इवन आज के दिन में भी यहाँ एवरेजिंग करना था। जिन्होंने एवरेज किया वो प्रॉफिट में। एवरेज कितने परसेंट लोगों ने किया आज के दिन में? अगर सेल की हम ब्लॉक डील्स देखते हैं, इसमें कितनी ब्लॉक डील हुई देखो, 12 बजे के बाद एग्जैक्टली सेल चलना स्टार्ट हुआ। तो हम देखेंगे 12 बजे के बाद की इंट्राडे डील्स। ये है सेल, हमने बाइंग ऑर्डर लगा के रखा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाइंग ऑर्डर पे सेट है हमारा आइकॉन, तो सिर्फ हमें बाइंग दिखेगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 बज के जब एग्जैक्ट, हाँ ये डील हुई थी सबसे पहली वाली बड़ी, 12:26 पे 7,98,000 शेयर इसमें ट्रेड हुए, जो कि डिलीवरी उठाई गई इसकी। फिर 2,80,000, 1,28,000, 7,30,000 ऐसे फिगर्स में ट्रेड हुआ। कहा 86,000, 87,000। यहाँ 2 बजे देख सकते हो जब शेयर पीक पे था। देखो ये जब पीक पे आया, पीक कौन सा था इसका, चलो हम पीक आने के बाद हम जब ये रिवर्सल आया, मतलब ये टाइम कब का था, ये टाइम था 2:30। अभी हम 2:30 देखें, 2:30 पे क्या हुआ। 2:30 पे नीचे की तरफ जब ये गिरा तब 1,12,000 शेयर डिलीवरी में उठाए गए, उसके बाद 1,04,000 शेयर, फिर 2,31,000 शेयर। फिर देखो ये जो नीचे का टाइम था, जितने देर तक ये नीचे था और जब ये नीचे ऊपर चलने लगा, फिर देखो 2:55 पे अभी थी, ये देखो 50-55 3 के आसपास 5,00,000 शेयर इसमें डिलीवरी में उठाए गए। और यहाँ पे देख सकते हो पूरी मार्केट खत्म होने तक, मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट खत्म होने तक नॉर्मली 3 के बाद शेयर ठंडा पड़ जाता है, पर देखो 1,53,000 यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है 1,22,000, 1,60,000 और 90,000। तो ओवरऑल अगर हम ये देखते हैं चार्ट पे, इतने ज़्यादा ट्रेड हुए हैं कि मतलब बोल नहीं सकता इतने ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। अगर हम वॉल्यूम ही देखना है तो आज के दिन का हम वॉल्यूम देखते, देखो 9 करोड़ शेयर ट्रेड हुए इसमें, कितने 9 करोड़ शेयर इसमें ट्रेड हो रहे। 122 का ओपनिंग लगाने के बाद 125.75 का हाई लगाया। सबसे मेन बात, हाई कितने का लगाया ये नहीं है इम्पोर्टेंट, 117 का लो लगाया ये इम्पोर्टेंट है। 117 से शेयर घुमा है और अभी जहाँ पे ये क्लोज हुआ है, मतलब 124.75 पे, वहाँ पे 1,96,000 शेयर ऐसे है कि जो अभी भी बाइंग के लिए लगे। ये टाइम से लेके रात के बीच में अगर एक भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है शेयर के लिए, तो ये कल के दिन में खुलेगा ही 2-3 पॉइंट ऊपर। और सेल जैसे शेयर के लिए 2-3 पॉइंट ऊपर खुलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, छोटे शेयर होते तो इनमें 2-3 पॉइंट भी ऊपर खुलना, मतलब अगर समझो किसी ने कॉल पुट लेके रखे तो उसके प्रीमियम इतने जोर से ऊपर नीचे जाते हैं कि तुरंत उसमें प्रॉफिट लॉस हो जाता है। तो मैं कहता हूँ अभी सेल में रिवर्सल आ चुका है चार्ट पे, हमें तो दिख रहा है अच्छा खासा। पर अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट पे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे यहां से आप गेस करो कि मैं क्या बताने वाला हूं। देखो ये क्या दिख रहा है हमें, सपोर्ट रेजिस्टेंस 116 पे, सपोर्ट 116.55 पे इसका सपोर्ट है जहां पे ये कैंडल बनी थी और ये एग्जैक्टली उसके आसपास आके 117 से घूमी है, तो ये इसका सपोर्ट की तरह करेगा। आज की कैंडल अगर देखते हैं, वन डे की कैंडल, तो पूरी फुलटॉस कैंडल यहाँ पे आपको नजर आएगी। तो
इसमें डरने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, मस्त एकदम अच्छे से इसमें ट्रेड करो आराम से। अगर ये रिवर्सल होगा तो सेल का शेयर इस बार 150 भी क्रॉस करेगा, पर 150 क्रॉस करने में उसको ये एक प्रॉब्लम आने ही वाला है, 136 के आसपास शेयर रुकेगा। 136 लेवल के आसपास ये थोड़ी देर तक हॉल्ट करेगा, मतलब समझो अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा तो इसका पैटर्न, एक रफ पैटर्न बोल सकते हैं आप इसको, ये भी यहाँ पे है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेगा, अगर सब पॉजिटिव रहा तो यहाँ जाएगा, ये शायद वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ रुकेगा, थोड़ा नीचे आएगा और फिर ये ब्रेक करके 150 की तरफ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर भी आप याद रखो, मैं क्या कहता हूँ, ये स्ट्रक्चर भी आप याद रखो कि सेल में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल डरना नहीं है, शेयर अच्छा है, रिजल्ट आने की वेट है, रिजल्ट और 25 तारीख, ये दो बात आपको याद रखनी है, और पोजीशन ली तो होल्ड रखना है। 116 पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये तो हो गई सेल की बात, जितने लोग सेल के लिए आए थे वो वीडियो एंड हो चुका है एक्चुअली। यहाँ में हम अभी हम जो हमने शेयर्स दिए थे उसका डिस्कशन करेंगे। देखो हमारे इसमें हमने जो दिया था, सबसे पहले एक शेयर दिया था उसका नाम था एक्रेसिल। देखो एक्रेसिल शेयर में हमने कहाँ पे रिकमेंड किया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलता हूँ मैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब ये शेयर ये लेवल तोड़ रहा था, जब यहाँ पे हमने इसको रेकमेंड किया था, मुझे याद है 367 के आसपास, 367, और हाँ 367 पे ही मैंने एग्जैक्टली इसको रेकमेंड किया था, और इसने आज अभी तक आज के दिन में हाई मारा था 476। तो विद इन 2 डेज और 3 डेज इसमें 100 पॉइंट की मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है 2-3 दिन में। ये एक्रिसिल हमारे चैनल पे आप देख सकते हो, अगर नए हो तो एक्रिसिल हमने रेकमेंड किया था पीछे, तो इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आ गई। इसके साथ साथ हमने और एक शेयर दिया था, उसका नाम था, एक सेकेंड, आईओसी के लिए मैं बोला था, आईओसी के लिए मैंने बोला था, आईओसी में ये देखो ये लेवल क्रॉस करेगा तो शेयर ब्रेकआउट देगा, ऐसा क्लियरली बोला था। तभी भी मुझे कमेंट में आके बोल रहे कि यार हमने ये लिया है क्या करूं क्या करूं, मैं बोला एग्जिट कर दो। पर मैंने वीडियो में आपको इतनी क्लियर लेवल दी 109 की, ये सपोर्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे ही तोड़ेगा शेयर ऊपर जाएगा। आयोसी का शेयर देखो अभी हमने जो ये बॉक्स बना था उसके ऊपर ही आयोसी ने ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें भी एक अच्छे चांसेस है कि ये आगे की जर्नी इसकी कंटिन्यू करेगा। हमने मेंबर्स के लिए दिया था जेटी के टी इंडिया, जेटी के टी इंडिया, टेक्समो पाइप्स, तो ये दोनों के शेयर, जो दोनों शेयर आज जेटी के टी इंडिया देख सकते हो आप, अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है। पर इसमें पोजिशन बनाने के लिए पहले डरो, 117 पे से एक हर्डल है, तो 117.25 के ऊपर अगर निकलेगा तो ही ऊपर की जर्नी करेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इसमें तुरंत भागदौड़ करके पोजीशन नहीं बनानी है। टेक्समो पाइप्स का भी स्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे एक मेंबर्स ने इसमें भी पोजीशन ली है, अभी फिलहाल रिसेंट में पोजीशन ली है, तो मैं कहूँगा नज़र रखो उस पर, सेलर्स दिखे तो निकल जा। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस सेल पे, और हमने जो शेयर्स दिए थे उन पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।